और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में विवादित कंपनी का बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ चुका है। शहर में कैसे बिना किसी आधिकारिक परमिशन के आईएलएफएस नामक कंपनी ने सारे कायदे कानून ताक पर रख अपना मुनाफा कमा लिया है और सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है, जिसको लेकर के नगर निगम के सदन की बैठक में पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। जांच में सामने आया है कि कैसे विवादित कंपनी ने नियमों का दुरुपयोग कर इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया है। आखिर क्यों एक निजी कंपनी पर नगर निगम प्रशासन है मेहरबान, यह प्रश्न आज गुरुग्राम में नगर निगम के तमाम पार्षद और जिले के कई लोग उठा रहे हैं। प्रश्न इसलिए कि अब गुरुग्राम की अगर बात की जाए, गुरुग्राम में एक विवादित कंपनी आईएलएफएस, जिसे गुरुग्राम में मलबे के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन उस पर एक और आरोप लगा था कि उन्होंने इस निस्तारण के लिए खुद काम करने की बजाय एक और कंपनी को सबलेट कर दिया गया था। हालांकि इस मामले पर पार्षदों की आवाज उठाने के बाद जांच भी बिठाई गई और जांच में यह पाया गया कि गलत तरीके से आईएलएफएस ने एक कंपनी को सबलेट किया, बावजूद उसके नगर निगम की एक और मेहरबानी इस कंपनी पर अब होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के बसई के पास, जहां आईएलएफएस का निस्तारण का वो प्रोजेक्ट है जहां पर मलबे को क्रेशर में और इंटरलॉक टाइल में जो है बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ अब नगर निगम के द्वारा इस कंपनी को 5 एकड़ और जमीन देने की तैयारी की जा रही है मलबे निस्तारण के लिए। आपको दिखाना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात ये जगह कहाँ दी जा रही है, ठीक इसके साथ लगता यह वेटलैंड है, वेटलैंड जहाँ पानी है बड़ी संख्या में, जहाँ मछली पालन भी होता है। ये वेटलैंड की जमीन है जिसका इस्तेमाल किसी भी निर्माण के लिए, इसके आसपास कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी कुछ दूरी पर जरूर कुछ कंक्रीट के जंगल हैं, लेकिन इस वेटलैंड के साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा बाउंड्री कर दी गई है। ये जमीन जीएमडीए की है और इस पर बाउंड्री करके नगर निगम ने अब जीएमडीए को लिखा है कि यह जमीन मलबे निस्तारण के लिए आईएलएफएस को दी जाए, 5 एकड़ की यह जमीन। हालांकि यह भी वेटलैंड है और जो कहा जा रहा है कि यह भी वेटलैंड की जमीन थी, क्योंकि इसके अंदर भी पानी भरा है, लेकिन इसके बीच में ये एक मलबा डाल करके एक कच्चा रास्ता बना दिया जाता है। पहले इस वेटलैंड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और उसके बाद उसके साथ लगती ठीक 5 एकड़ जमीन अब उस आईएलएफएस कंपनी को देने की तैयारी में नगर निगम है। हालांकि इसको लेकर के गुरुग्राम के प्रशासन, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर गुरुग्राम के पार्षद भी प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नगर निगम इस कंपनी पर इतना मेहरबान है कि तमाम नियमों को, तमाम जो प्रशासनिक नियम है उनको ताक पर रखकर एक बार फिर इस तरीके से जमीन दी जा रही है, जिसे पहले ही, जिसके ऊपर प्रश्न है, जो कंपनी पहले ही विवादित, आखिर क्यों उसे इतनी छूट दी जा रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।